बने रहने के लिए थैंक यू। मज़ा आ रहा है आप लोगों को वीडियो में। इस वीडियो में सीखते हैं इलेक्ट्रिक गिटार की पहली चीज़ पावर कॉर्ड्स। पावर कॉर्ड्स क्या होती हैं वो बताने से पहले कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार मुझे ना ये टेली बॉडी पसंद नहीं है, मुझे स्ट्रैट बॉडी पसंद है, ट्रेमोलो आर्म चाहिए मुझे। और कई लोग कह रहे होंगे मैं गन्स एंड रोज़ेस का फ़ैन हूँ, मुझे तो लेस पॉल चाहिए। बता के खुशी होगी, जान के खुशी होगी कि इस ब्रांड में तीनों बॉडीज़ आती हैं, टेली, स्ट्रैट और लेस पॉल। नीचे लिंक है, चाहिए हो तो देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट पावर कॉर्ड्स। अब देखो गिटार बजाने के, इलेक्ट्रिक गिटार बजाने के दो एस्पेक्ट्स हैं। गिटार को क्लीन सेटिंग्स में बजाओ, मतलब बिना डिस्टॉर्शन के, और डिस्टॉर्शन के साथ बजाओ। मार्शल एम्प जो मैंने आपको सजेस्ट किया था उसमें डिस्टॉर्शन की सेटिंग होती है, छोटा सा बटन दबाओ डिस्टॉर्शन ऑन हो जाता है, और फिर आपको गेन एडजस्ट करना पड़ता है। जितना ज़्यादा गेन करोगे उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन आएगा, पर हाँ गेन के साथ नॉइस भी आती है। तो गेन आपको एक ऐसे लेवल पर रखना है जहाँ पर कम से कम नॉइस रहे आपके पास, ठीक है। सो एक परफेक्ट सा एक अमाउंट डायल इन करना, और मिड ट्रेबल बेस जो ईक्यू होता है उसको 12 o'clock रखना। दैट्स अ गुड सेटिंग, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए कर दो, चालू करते हैं। अब देखो पावर कॉर्ड होती क्या है। सपोज हमने अकोस्टिक गिटार पे सी मेजर कॉर्ड सीखी थी, अब इलेक्ट्रिक पे सी मेजर का पावर कॉर्ड देखते क्या होता है। तो पावर कॉर्ड्स बेसिकली ये है, या फिर ह्यूज साउंड हो रही है ना, जिन लोगों को पावर कॉर्ड ऑलरेडी आते हैं, बेसिक्स आते हैं, मैं इस वीडियो में आपको एक अलग तरीके की पावर कॉर्ड्स भी सिखाऊंगा, जिससे कि ये जो आप बजाते हो ना पतली सी, इसकी जगह आप बजाओगे बीफी, बड़ा सा पावर कॉर्ड, है ना। ऐसी होना चाहिए ना, इलेक्ट्रिक गिटार पावरफुल और बीफी सुनाई देना चाहिए। सो अब देखो पावर कॉर्ड क्या होती है। पावर कॉर्ड होती है जैसे सी पावर कॉर्ड, तो फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट सी है, तो पावर कॉर्ड होती है रूट नोट और उसके ऊपर उसका फिफ्थ, फिफ्थ मतलब मेजर स्केल का फिफ्थ। एक दो तीन चार पांच, रूट और फिफ्थ इस पावर कॉर्ड। कॉर्ड की डेफिनेशन ही होती ना, कॉर्ड और नोट में ही तो फर्क होता है। कॉर्ड इज टू और मोर देन टू नोट्स प्लेड टुगेदर, नोट इज जस्ट अ नोट। सो ये टू नोट्स है, टू नोट कॉर्ड है पावर कॉर्ड। ऐसे बजा सकते हो, या फिर इसको यहां इस फिंगर से भी सी डी ई G A B C, इसको सिक्स स्ट्रिंग पे भी ले जाओ। G पावर कॉर्ड A B C A, E, ठीक है, ये है पावर कॉर्ड। अब देखो पावर कॉर्ड को धीमे धीमे हम बीफी या फिर पावरफुल बनाएंगे, और पावरफुल। अब देखो एक पहला स्टेप इसको और पावरफुल बनाने का, ऐसे मत बजाया करो। कैसे बजाया करो, रूट लिया, फिफ्थ लिया, फिफ्थ के नीचे रूट एक और ले लो, फिफ्थ के जस्ट नीचे वाला, ये भी रूट है, सी है, बड़ा है ना। अब देखो जितने ज्यादा नोट्स उतना ज्यादा बड़ा साउंड। सिमिलरली सिक्स स्ट्रिंग में, अब इससे कोई म्यूजिक बना सकते हो, और बीफी कैसे बनाओगे इसको। ये जो आपका ये है ना, जैसे ई कॉर्ड है, ई पावर कॉर्ड है, अब आप इस ई पावर कॉर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ओपन स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करो, और स्ट्रिंग्स बढ़ाओ, नोट्स बढ़ाओ बीफी करने के लिए। सो ई कॉर्ड यहाँ पे भी तो बच सकती है, अगर मैं इसको ऐसे बजाऊं, वही है,
एक मैं नोट ले लूंगा यहां से, एक ये भी तो ई है, ये भी तो बी है, रूट नोट तो है ही ई। अब मैंने नाइन्थ भी लिया एफ शार्प, सो इट साउंड्स लाइक या ई यहां बजा रहे हो, ओपन नोट्स भी ले लो। Sounds big. अब देखो जो ये वाली पावर कोर्ड थी सी वाली, इसमें आप क्या कर सकते हो, जो इसका फिफ्थ है जी, उसको ऊपर लगा दो रूट में, यहां rather than, but टेली से इतना हैवी साउंड निकल रहा है और लोग कहते हैं कि टेली से हैवी नहीं बच सकता, सिंगल कॉइल से हैवी नहीं बच सकता, सिंगल कॉइल नॉइजी होते हैं, नहीं मिथ है, ठीक है। आप पावर कॉर्ड्स को यूज कहाँ करोगे, जैसे आपके सॉन्ग्स में कॉर्ड्स आती हैं सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, वहाँ पे आप पावर कॉर्ड से रिप्लेस कर दो, बट सी मेजर या फिर सी माइनर को सी पावर कॉर्ड से करना, किसी और से मत कर देना। अब देखो सी ना, सो क्या मुझे प्यार है वाले सॉन्ग में तो पावर कॉर्ड से ही चालू होता है ना, वो कैसे बजाया मैंने, एफ शार्प ई डी, डी पावर कोड कैसे बजाई, केवल ऐसे भी बजा सकते हो, या फिर डी सस टू, या फिर तो ये हैं पावर कॉर्ड्स, ठीक है। पावर कॉर्ड्स के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिक गिटार है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है ब्लूज़ रॉक मेटल में। ब्लूज़ रॉक मेटल में सबसे ज़्यादा क्या बचता है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। जैसे हमारे इंडियन सॉन्ग्स में मेजर स्केल होता है, माइनर स्केल होता है, ब्लूज़ रॉक मेटल में होता है माइनर पेंटाटोनिक स्केल। अभी क्या होता है इसके लिए नेक्स्ट वीडियो, लिंक ये रहा, मिलते हैं।